क्रिकेट प्रेमियों का जो इंतजार है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट आ रही है सभी फ्रेंचाइजीज की, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो क्लोज आ रहा है। तो जो पहली फ्रेंचाइजी ने रिटेंशन लिस्ट की अनाउंस की है वो जीटी है। जीटी में फैंस को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि क्या मोहम्मद शमी ऑक्शन में आएंगे या रिटेन होंगे। तो मोहम्मद शमी ऑक्शन में आ रहे हैं, ये गुजरात का फैसला सही है या गलत है ये तो मेगा ऑक्शन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो है इसमें शमी की भी हो सकती है कि शमी ऑक्शन में जाना चाहे, क्योंकि उनके ऊपर फ्रेंचाइजीज होली लगाएगी। हाँ, कुछ दिन से शमी का दिन नहीं चल रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब में उनका सिलेक्शन है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, शमी इंजर्ड है, अपनी गेम की वजह से वो बाहर नहीं है। जो 5 रिटेन्ड प्लेयर हैं जीटी के वो हैं कप्तान शुभमन गिल, राशिद खान कोई किसी भी फ्रेंचाइजी में रहते उनको रिटेन करते, और साई सुदर्शन जैसा इंडियन बल्लेबाज मिलना मुश्किल है, तो साई सुदर्शन का भी रिटेंशन सही है। दो रिटेंशन है, इसको सही या गलत आप दोनों चीज बोल सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में ये सही है कि राहुल तेवतिया, क्योंकि डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट उनको माना जाता है, वो अपना काम हर बार करते हैं, तो उनका रिटेंशन बढ़िया है इसलिए कि क्योंकि इंडियन में कम ही है जो फिनिश कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा बाकी जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं वो फिनिशर सिर्फ फॉरेनर को रखते हैं, एक मुंबई इंडियंस छोड़ दीजिए कि पांड्या है उसमें, कि उन पर आप बिलीव कर सकते हैं अच्छा फिनिश करेंगे। और जिसपे उन्होंने सबसे बड़ा दांव लगाया है जीटी ने वो है शाहरुख खान, 5वें नंबर पे शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान की भी डेथ ओवर की कमान देंगे जीटी वाले। लेकिन ये आप ओवरऑल देखेंगे तो इनका रिटेंशन अच्छा इसलिए है कि ये इंडियन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, जो इनका ये जिनको इन्होंने बैक किया है, ये पांचों लगभग आपको सारे मैचेस में खेलते दिखेंगे। हाँ, अब ये फॉरेनर पे ऑक्शन पे अच्छा जा सकते हैं, अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी मजबूत कर सकते हैं पिक करके। और हाँ, आप जरूर बताइएगा कि किस प्लेयर को आप चाहते हैं कि आपकी फेवरेट फ्रेंचाइजी रिटेन करे। हाँ, हमारी नज़र मुंबई सीएसके और आरसीबी पे बनी है।